एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो होने वाला है रिबेका जो है उन्होंने बहुत ही करारा वाला आंसर किया है लोगों को, और मंदिर जो कि अबू धाबी में बन रहा है उसी से रिलेटेड। सो आज चलते हैं और इस वीडियो को देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मध्य प्रदेश की उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के दरबार में जाकर उनके सेवक नंदी महाराज से बात करने वाली तेज तर्रार पत्रकार रुबेका लियाकत वैसे हैं तो मुस्लिम और इस्लाम धर्म को मानती हैं, लेकिन अपने धर्म को मानने के साथ साथ उन्हें दूसरे धर्मों की भी इज्जत और सम्मान करना अच्छी तरह से आता है। यही वजह है कि वो कभी भी हिंदू धर्म से नफरत करती हुई नहीं दिखाई दी। वो अगर मस्जिद के सामने सिर झुकाती हैं तो मंदिर के सामने भी जरूर सिर झुकाती हैं, लेकिन रुबेका लियाकत की यही सोच धर्म के ठेकेदारों के दिल में आग लगा देती है। लेकिन रुबेका लियाकत भी कम नहीं है, वो भी इन कट्टरपंथियों को लताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तभी तो महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने वाली रुबेका लियाकत ने अब एक शेख की तस्वीर पोस्ट करते हुए कह दिया, कट्टरपंथियों मुंह छुपा लो, इस बार तमाचा खास अबू धाबी से आया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा शख्स बैठा है जिनके राज में भारत में तो तमाम हिंदू मंदिरों का जोर शोर से कायाकल्प हो ही रहा है, मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भी मंदिर निर्माण की लाइन लग गई है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जहां दुबई में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है जिससे वहां रह रहे लाखों हिंदू इस मंदिर में पूजा पाठ कर सकें, तो वहीं यूएई की राजधानी अबू धाबी में भी एक और मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। भगवान स्वामी नारायण का ये मंदिर अबू धाबी दुबई हाईवे पर बन रहा है, जिसे देखने के लिए 3 अक्टूबर को खुद भारत में यूएई के नामित राजदूत अब्दुल नसीर अल शाली गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के दौरान नींव में अपने हाथों से एक ईंट ही नहीं रखी, बल्कि हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए पुजारी से हाथ में कलावा भी बंधवाया। जबकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ में कलावा बंधवाने से परहेज करते हैं, लेकिन अल शाली ने बिना किसी झिझक के कलावा बंधवाया और मंदिर के बारे में जानकारी दी। शेख अब्दुल नासिर अल शाली की इन्हीं तस्वीरों को देखकर पत्रकार रुबेका लियाकत ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अल शाली के एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, माशाल्लाह कट्टरपंथियों मुंह छुपा लो, इस बार तमाचा खास अबू धाबी से आया। रुबेका लियाकत के ट्वीट पर कोई बोले या ना बोले, पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान जरूर बोलते हैं, और इस बार भी उन्होंने रुबेका लियाकत के ट्वीट पर लिखा, अरे वाह, तो आपको कैसा महसूस हुआ दुबई का शानदार तमाचा पाकर रुबेका लियाकत। वैसे हम भारतीय हर बार बाहरी का मुकाबला करना जानते हैं, आपका नहीं पता। शादाब चौहान का ट्वीट देखकर आप समझ गए होंगे कि रुबेका लियाकत ने जो बात कही है उससे किस किस को तकलीफ हुई होगी। बहरहाल आपको बता दें, रुबेका लियाकत ने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो यूएई के नामित राजदूत अब्दुल नसीर अल शाली हैं, जो 3 अक्टूबर को मंदिर निर्माण स्थल पर गए हुए थे। इस मंदिर का निर्माण करवा रही बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी बाप्स ने खुद अब्दुल नसीर अल शाली के मंदिर निर्माण स्थल की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, हमें भारत में यूएई के नामित राजदूत अल शाली का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जिन्होंने भारत और यूएई के बीच सद्भाव, शांति और सहिष्णुता के लिए यूएई नेतृत्व के दृष्टिकोण और उस रिश्ते में बाप्स हिंदू मंदिर की भूमिका के बारे में बात की। 3 अक्टूबर को मंदिर निर्माण के स्थल का दौरा करने वाले अब्दुल नासिर अल शाली को इस मंदिर निर्माण के जल्द पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह है कि उन्होंने सोमवार यानी 17 अक्टूबर को एक बार फिर इस मंदिर निर्माण से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, हाईवे से इस मंदिर को देखने के लिए मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। विदेश मंत्री भी कर चुके हैं दौरा,
अबुधाबी में बन रहे इस भव्य मंदिर के निर्माण स्थल पर मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जा चुके हैं। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन एस जयशंकर इस मंदिर का दौरा करने के लिए गए थे और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अबुधाबी में निर्माणाधीन बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण हिंदू मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर निर्माण की तीव्र प्रगति और इसमें शामिल सभी लोगों की सराहना करता हूँ। निर्माण स्थल पर बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण की टीम समुदाय के सदस्यों, श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर अति प्रसन्नता हुई। आपको बता दें, यूएई की राजधानी अबू धाबी में बन रहा ये मंदिर 55,000 वर्ग मीटर भूमि के दायरे में होगा। इसे भारतीय कारीगर तराशेंगे और बाद में यूएई के कई हिस्सों को जोड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान अय्यप्पा समेत कई भगवानों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में खूबसूरत बागीचा और मन को मोह लेने वाला वाटर फ्रंट होगा। इस मंदिर परिसर में पर्यटक केंद्र, प्रार्थना सभा के लिए स्थान, प्रदर्शनी और बच्चों के खेलने के लिए जगह, संबंधित विषयों से जुड़े बागीचे, वाटर फ्रंट, फूड कोर्ट, किताब और गिफ्ट की दुकानें होंगी। ऐसे भव्य मंदिर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे बाप्स के बारे में आपको बता दें, ये 1907 में स्थापित सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू संगठन है। ये पूरी दुनिया में 1100 से ज्यादा मंदिरों और सांस्कृतिक परिसरों की देखरेख करता है। बहरहाल, जिस तरह से मोदी राज में शेख भी अबू धाबी में बन रहे मंदिर निर्माण में मदद कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये रुबेका जो है वो हमेशा ही सोशल मीडिया पे भी, भाई जब वो डिबेट कर रही होती हैं तो वहां पर जितने भी मौलाना आए होते हैं, मुस्लिम्स आए होते हैं, हिंदू आए होते हैं, तो वहां पर भाई वो डट के बात करती है और वो जय श्री राम भी बोलती है तो डट के बोलती है, सबके सामने बोलती है। मतलब कि वो हमेशा हिंदुइज्म को और सनातन धर्म को बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट करती हैं। और ये चीज मैंने रुबेका में बहुत ज्यादा देखी है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो रुबेका मतलब खुद भी हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। तिलक लगाया हुआ है और जो है वो भगवा कलर पहना हुआ है, तो मतलब ये एक रिस्पेक्ट होती है। आप रिस्पेक्ट देने से आप कोई छोटे नहीं हो जाते हो, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब तो देखो सऊदीया में, दुबई में जो है इतने जो कहते हैं कट्टर वाले मुस्लिम्स हैं जो अरबी, वो लोग अब जो है वो हिंदुइज्म को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अब लोगों को सोच बदलनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि भाई अब जो है ना वक्त चेंज हो गया है, अब चीजें काफी ज्यादा जो है ना वो चेंज हो गई हैं। सो अब लोग आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका मालूम है ये सारी चीजें करके हम लोग अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और अच्छे रिलेशन बनेंगे। अब देखो दुबई में एक जो टेंपल है वो बना, तो काफी प्यारा टेंपल बनाया है और उस टेंपल में जो है वो सारे अरबी आए हुए थे और उन्होंने इनॉग्रेशन भी की है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो अभी ये वाला टेंपल भी बन रहा है, तो इसमें भी वो विजिट करने आए हैं और काफी सुनने में आ रहा है कि ये बड़ा, बहुत बड़ा टेंपल जो है वो बनेगा। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं तो मैं आप लोगों से जरूर एक बार शेयर करूं अपनी कैमरे के थ्रू कि किस तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि भाई वहां पर किस तरह का टेंपल बना है। एंड जो है ना ये एक अच्छी बात है कि देखो अरब कंट्रीज में अब जो है वो टेंपल बनना स्टार्ट हो गए, तो ये हिंदुइज्म को एक रिस्पेक्ट दी जा रही है। और दूसरा, फ्यूचर में आने वाले वक्त में भी इन लोगों को बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अरब कंट्री जब भारत के साथ बनाकर रखेगी, उनको पता है कि भारत का फ्यूचर ब्राइट है। तो अब वो लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग अगर अच्छा कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर है मतलब वो फिर हमें भी काफी फायदा होगा फ्यूचर में। दूसरी बात, रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं जो कि अच्छी बात है, और हम इस्लाम में भी यह है कि आप दूसरों के मजहब को रिस्पेक्ट दो। और तीसरी बात कि भाई जब बाहर के लोग आपके आपकी कंट्री को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो फिर आप अपनी कंट्री में बैठ के आप क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते। ठीक है, वो जिसने रुबेका को आंसर किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देखो बाहर के लोग आपकी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, मुस्लिम दे रहे हैं ना, कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं, फिर भी अगर आप अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आप अपनी कंट्री में रहकर अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। तो खैर, रुबेका ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और के कट्टरपंथी देख लो, तो मतलब ये उनको एक अपनी तरफ से एक टॉन्ट किया है कि देख लो तुम लोग तो इतना इश्यूज बनाते हो वहां पर सऊदीया में, दुबई में, यूरोप अरब कंट्रीज में, देखो क्या हो रहा है। तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।